तो फ्रेंड देखिए बाहर से ना जो हमारा कुशवाहा धर्मशाला है कुछ इस तरीके का दिखता है। और बात करूँ अगर मैं यहाँ के बेड की तो देखिए बेड फ्रेंड ऐसा मिलेगा आपको, इसी में सोना है 200 रुपया में। यहाँ स्टैंड भी है और धर्मशाला भी है ये। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल भाई चैनल में फिर से स्वागत है। खैर मकदम है, हर बार की तरह इस बार भी बहुत खास ब्लॉग लेकर मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं अब 2 महीने के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं क्या बताऊँ, मैं बीच में बहुत परेशान था किसी निजी प्रॉब्लम की वजह से, तो इस वजह से मैं बिल्कुल ही 2 महीना यूट्यूब से दूर रहा। बट अब जो है ना मैं परमानेंटली कंटिन्यू नेक्स्ट वीक से, अभी तो 2-3 वीडियो आपको मिलेंगे, उसके बाद हर मतलब कि नेक्स्ट वीक से, दिसंबर 1st वीक से आपको जो वीडियो का दौर चालू होगा फिर वो कभी नहीं रुकने वाला है और काफ़ी अच्छा खासा आपको मिलने वाला है। तो मैं बता दूं कि जैसा कि आप जान रहे हैं अभी जस्ट छठ गुजरा है, कार्तिक पूर्णिमा गुजरा है और सोनपुर मेला भी स्टार्ट हो गया है। तो इसीलिए आपका भाई जो है ना देखा कि चलिए भाई सोनपुर मेला का लोग आ रहे हैं दूर दूर से देखने, तो लोग स्टे भी करना चाह रहे होंगे, होटल खोल रहे होंगे। तो आपका भाई बिल्कुल ही जो हमारा सारण डिस्ट्रिक्ट है छपरा, उसका बहुत इंपॉर्टेंट शहर है सोनपुर जिसमें अभी मेला लगा हुआ है, तो मैं वहाँ से भी आपके लिए लाया हूँ बहुत ही बढ़िया और सस्ते प्राइस का। हालांकि मैंने इसके वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल में बना रखा है पिछले साल, लेकिन उस साल के मुकाबले इस साल ना थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, थोड़ा नहीं मैं कहूँगा कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ हुआ है। मुझे तो पहली बात कि सोनपुर में जो होटल वगैरह ना बहुत कम देखने को मिलते हैं ढंग के, जी हाँ। अब मेला में तो खासकर मेला में मुझे 2 जो मिले हैं वो धर्मशाला है, नाम है धर्मशाला लेकिन चार्ज लिया जाता है होटल का, जी हाँ। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना ये कुशवाहा होटल है, यहाँ आपको मिनिमम 200 रुपया में आपको डोमेट्री बेड मिल जाएगा। सामान का थोड़ा सा आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा डोमेट्री में, और रूम लेना है तो ऐसे बोलते हैं 1000 लेकिन बोले हैं कि 800 में दे देंगे, तो थोड़ा बार्गेनिंग है आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप सोनपुर मेला घूमने आ रहे हैं ना तो 10 रुपया खर्च करके ऑटो पकड़ के हाजीपुर आ जाइए, और हाजीपुर का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। जब आप बोलेंगे हाजीपुर का सस्ता होटल तो मेरा वीडियो 2nd नंबर पर मिल जाएगा आपको, जिसमें अप्रॉक्स 80,000 व्यूज़ है, तो वहाँ पर आराम से 100-150 में रह सकते हैं, सिर्फ 10 रुपया खर्च करके आप रिटर्न आ जाएंगे। तो सोनपुर में रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी सोनपुर में रुकना चाह रहे हैं ना तो 800 से 1000 रुपया से कम नहीं मिलने वाला है। तो चलिए पहले मैं चलता हूँ और दिखलाता हूँ कुशवाहा होटल कैसा है। तो देखिए फ्रेंड फाइनली ना हम लोग आ चुके हैं अपने कुशवाहा धर्मशाला में, और ये हरिनाथ मंदिर के पास है, कुछ इस तरीके का यह कुशवाहा धर्मशाला है। अब मैं बता दूँ देखिए जैसे ही आप मतलब के बाहर निकलिएगा ना तो ये जो आप देख रहे हैं ये हरिनाथ मंदिर से आता है और उलेन मार्केट की तरफ जाता है, जी हाँ जस्ट हमारे सामने ही हरिनाथ मंदिर है। चलिए अंदर दिखाते हैं कि अंदर का क्या कुछ है। देखिए फ्रेंड ये जो आप देख रहे हैं ना ये इसका डोमेट्री बेड कुछ इस तरीके का है, जी हाँ कंबाइंड होकर सोना है। 200 रुपया आपको खर्च करना है, बार्गेनिंग होता है, इस चीज़ का आपको बिल्कुल ख्याल रखना है। तो फ्रेंड फाइनली ना आपका भाई आपको डोमेट्री बेड दिखाया, रूम इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज़्यादा था तो मैंने ज़्यादा उस अंदर नहीं गए। बट ये बता दूँ कि 1000 रुपया चार्ज बताते हैं और हमको तो 800 रुपया कर दिए, बार्गेनिंग ज़्यादा है, थोड़ा आप देख लीजिएगा। मैं तो फिर कहूँगा प्रेफर करूँगा कि आप हाजीपुर आइए, 10 रुपया ऑटो खर्च करके और आराम से 100 रुपया में अपना सामान भी अच्छा से रखिए अलमारी में, 100 रुपया में एकदम अच्छे से गुजार दम रहिए। मैंने वीडियो बना रखा है आपको देख लीजिएगा हमारे इसी चैनल पर, बोलिएगा हाजीपुर का सस्ता होटल तो हमारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी जानकारी देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका अब आपका भाई एक्टिव हो गया है, कंटिन्यू वीडियो देता रहेगा, कोई भी सवाल हो कमेंट पूछिए जवाब जरूर दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, टिल देन बाय।